स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा जो किस इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः योग सूत्र के कैवल्यपाद के सूत्रों को समझ रहे हैं, इसमें आप 4.6 से लेकर 4.10 तक के सूत्रों को समझेंगे। ध्यान से समझना, चलिए समझते हैं। 4.6 तत्र ध्यानात्म अनाशयम। अब इन शब्दों का अर्थ देखें। तत्र उनका या इनका, ध्यानात्म ध्यान लगाने से उत्पन्न, अनाशयम छवियों और प्रभावों से मुक्त, प्रभावों से मुक्त। अब एक लाइन में अर्थ समझे, क्योंकि याद इन्हीं को करना है आपको। उनमें से ध्यान जनित चित्त आशय रहित यानी कर्म संस्कारों से रहित होता है। चित्त की इसमें विशेषता बताई गई, पिछले वीडियो में आपने चित्त के विषय में पढ़ा, अगर नहीं देखा है उसको तो आप देखिएगा जरूर। अर्थात चेतना केवल एक होती है, उसी से कंट्रोल होता है सभी की कार्य, और उसी की विशेषता इसमें बताई गई है। थोड़ा और समझ रहे विद्यार्थियों इसमें कि चिंतन और गहन ध्यान से निर्मित चित्त को निर्माण चित्त में परिवर्तित करना संभव है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सारी क्रियाओं और गतिविधियों का उद्गम स्रोत चेतना की एक ही धुरी है, इस कारण अनेक मन या अनेक चित्त का विचार करना सही नहीं है। गहन ध्यान से जब विचारों के अनेकानेक प्रभावों को शांत और मौन कर दिया जाता है, तब चेतना ही बच जाती है। तो आपने समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र में कर्मों के प्रकार, इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना है। 4.7, और ये 4.7 को भी याद रखना है क्योंकि सूत्र संख्या भी पूछी जा सकती है। चलिए, कर्म आशुक्ल आकृष्णम योगिनी त्रिविधम इतरेशाम। कर्म आशुक्ल आकृष्णम योगिनी त्रिविधम इतरेशाम। ध्यान से समझना, कर्म कार्य आशुक्ल अश्वेत आकृष्ण काला ना हो, योगिनी किसी योगी के त्रिविधम तीन अस्त्रिय इतरेशाम अन्य के लिए, और तीन स्त्र काला श्वेत और मिश्रित भूरा, इसको आप समझ सकते हैं। अब एक लाइन में समझना, योगी के कर्म आशुक्ल और आकृष्ण यानी निष्काम होते हैं, और त्रिविध यानी तीन प्रकार के होते हैं दूसरों के। दूसरों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं, योगी के आकृष्ण और आशुक्ल कर्म होते हैं यानी निष्काम भाव के होते हैं। अब अगले सूत्र में आगे समझेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके समझा दूं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और ये आपको याद करना है। विद्यार्थियों, आमतौर पर प्रतिक्रिया और फल देने वाले तीन प्रकार के कर्म होते हैं, ये सफेद या पवित्र, काले या भूरे और दोनों के मिले जुले रूप में होते हैं, या पवित्र और भूरे कर्मों के बीच कर्म होते हैं। ये तीन प्रकार के कर्म सभी में सामान्य रूप से देखे जाते हैं, किंतु एक सिद्ध योगी चौथे प्रकार का कर्म करता है जो पवित्र, भूरे या इन दोनों के मिले रूप से मुक्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्ल कृष्ण या दोनों के मेल से भूरे कर्मों से क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का चक्र बन जाता है, जिनसे मिश्रित या अमिश्रित फल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक,
और इन चार कर्मों को थोड़ा समझ लें। देखो, कृष्ण कर्म होता है चोरी, हिंसा, व्यभिचारी, जिनका फल दुख भोग नरक आदि होता है। इन्हें पाप कर्म भी कहते हैं। शुक्ल कर्म वे हैं विद्यार्थियों जिन्हें पुण्य कर्म कहते हैं और जिनका फल सुख भोग, स्वर्ग भोग आदि होता है, जैसे अहिंसा, परोपकार, स्वाध्याय, जप, ध्यान आदि। कृष्ण शुक्ल कर्म यानी मिश्रित, जो कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म होते हैं वे कृष्ण शुक्ल कर्म कहलाते हैं। चौथा, आकृष्ण अशुक्ल कर्म, जो कर्म वासना रहित होते हैं, जिन्हें ना पाप कर्म कह सकते हैं ना पुण्य कर्म, ऐसे कर्म आकृष्ण और अशुक्ल कर्म कहलाते हैं। ये कर्म निष्काम होते हैं। ऐसे कर्म सिद्ध योगियों के होते हैं, जिनके चित्त में कर्मों के संस्कार और वासनाएं नहीं रहती हैं, जिससे उनके फलों से वे मुक्त रहते हैं, जिससे वे कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते हैं। और इसके विपरीत अन्य साधारण पुरुषों में कर्म, जो अभी मैंने बताया, यानी कृष्ण शुक्ल मिश्रित होते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब इनका प्रभाव कैसे पड़ता है, यह इस सूत्र में देखेंगे। 4.8 नंबर के सूत्र में आपको समझना है। ततः तद विपाक अनुगणानां, ततः तद द्वीप, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, दोबारा देख लें। ततः तद विपाक अनुगुणानाम अभिव्यक्ति वासनाम, तथा तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासना। चलिए इन शब्दों का अर्थ देखिए। पहले तथा उसके बाद तद उनका प्रभाव, या क्षमताएं, विपाक फलित अनुगुणानाम, अनुगुणानाम उसी प्रकार एव केवल अभिव्यक्ति स्पष्टीकरण वासना नाम इच्छाओं का। एक लाइन में समझे, उन किनसे, तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगों के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात ऊपर जिन तीन कर्मों का वर्णन किया गया है वे सामान्य रूप से सभी में पाए जाते हैं। योगी का कर्म नहीं, सामान्य मनुष्य वाले कर्म, जो अभी आगे मैंने समझाया था। तदनुसार अपना प्रभाव भी किसी व्यक्ति पर छोड़ते हैं। जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो उसमें इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को और बढ़ा देते हैं। देखो विद्यार्थी, थोड़ा और समझा दूं। सामान्यतया मानव फल इच्छा से सकाम कर्म करते हैं और तदनुकूल ही उनकी वासनाएं प्रकट होती हैं। कारण यह है कि अनेक पूर्व जन्मों की वासनाएं संस्कार के रूप में अंतःकरण में एकत्र रहती हैं, जिनके दो प्रकार हैं। कौन से? स्मृति मात्र फल वाली, स्मृति मात्र फल वाली, और जाति आयु तथा भोग रूप वाली। दूसरी है जाति आयु तथा भोग रूप वाली। कर्मों के अनुसार ही ये वासनाएं प्रकट होती हैं।
जिस प्रकार के कर्म फल से मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, उसी प्रकार की स्मृति वासनाएं दूसरी उन वासनाओं को जागृत कर देती हैं, जो संस्कार के रूप में अनेक जन्मों से अंतःकरण में संग्रहित और जाति, आयु, फल, भोग वाली होती हैं। शेष वासनाएं चित्त भूमि में प्रसुप्त होकर दबी रहती हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सूत्र को देखते हैं। जात देश काल वैभेता नाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूप त्वात्। संस्कारयोः एक रूप त्वात्। जात देश काल वैभेता नाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूप त्वात्। अब इन शब्दों का अर्थ समझें। 4.9 नंबर का सूत्र है, ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से समझना। जाति वंश कुल, देश स्थान, काल समय, व्यवहिता नाम बीच में स्थित है, किनारे पर या किनारे पर रखा हुआ, अपि भी, अनंतर्यम आबद्ध निर्विघ्न, स्मृति याद, संस्कार हो छवियां, और एक रूप त्वात एक रूप में, समान या समान पहचान, ध्यान से इनको एक लाइन में समझना। जाति देश और काल इन तीनों, किसका किसका, जाति देश काल, इन तीनों का व्यवधान यानी भेद रहने पर भी कर्म संस्कार में भेद नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों एक रूप यानी समान विषय वाले होते हैं। इसलिए अर्थात कर्म का सिद्धांत कारण और परिणाम का सिद्धांत प्रत्येक जीवन में अनवरत कार्य करता है, भले ही प्रत्येक जीवन का वंश या श्रेणी काल और स्थान के अनुसार भिन्न होता है। अर्थात विद्यार्थियों, कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी अन्य जन्म में, ऐसी स्थिति में उन कर्मों में एक या अनेक जन्मों का व्यवधान यानी अंतर होता है। इसी प्रकार अलग अलग कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान होता है, किंतु जन्म देश और काल का अंतर होने पर भी कर्म फल के अनुसार वासना उत्पन्न होने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अर्थात किसी अन्य जन्म में किए गए कर्म का फल यदि इस जन्म में मिलना है तो काल जन्म और देश यानी स्थान का अंतर पड़ जाने पर भी उस कर्म के अनुसार वासना उत्पन्न होने में कोई अड़चन नहीं होती, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों एक ही हैं। जिस कर्म फल को उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण प्रकट हो जाता है, तदनुकूल ही वासना भी प्रकट हो जाती है। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं।
4.10, इसमें आपको समझना है प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर को। चलिए, ताशाम आनिदित्वम च आशीषः नित्यवत्त्वात्, नित्यत्वात् तासाम अनादित्वम च आशीषः नित्यत्वात्। अब इन शब्दों का अर्थ देखें। तासाम वे छवियां अनादित्वम बिना शुरुआत, च और आशीषः इच्छाएं नित्यत्वात् अस्थाई। अब एक लाइन में पहले अर्थ समझे, उनकी यानी किनकी, उन वासनाओं की जो अगले सूत्र में देखा आपने, समझा, अनादिता है प्राणी के स्वयं बने रहने यानी जीवित रहने की इच्छा यानी प्रार्थना नित्य अर्थात अनादिकाल से होने के कारण ही है। ऐसा क्यों है यानी कारण आपके मन में आता भाई कि फिर ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसका कारण क्या है, वो यह है कि उनकी यानी उन वासनाओं की अनादिता प्राणी के स्वयं बने रहने यानी जीवित रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से होने के कारण ही है। अर्थात विद्यार्थियों, यद्यपि प्रकृति और पुरुष शाश्वत हैं, फिर भी प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं जबकि पुरुष में ऐसा नहीं होता है। एक लाइन इसको समझ सकते हैं, सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का जन्म जीवन के प्रति आकर्षण और शाश्वत जीवन की जीने की इच्छा यानी क्या, अभिनिवेश के कारण होता है। जब तक अविद्या रहती है तब तक इच्छाओं और संस्कारों की छाप अस्थायी रूप से बनी रहती है। आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। इसमें कितने सूत्रों को समझा आपने, तासाम अनित्वम च आशीषो नित्यत्वात् जात देश काल विभेदा नाम अंतरायम स्मृत संस्कारयोः एक रूपत्वात् तत् विपाकः अनगुणानां अभिव्यक्ति वासनानां कर्म अशुक्ल आकृष्णम योगन त्रिविधः इतरेषां तत्र ध्यानजय ध्यानजम अनाशयम्, तत्र ध्यानजम अनाशयम्। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।